मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को पापी करार देते हुए उनके पाप गिनवाए। शिवराज ने कहा, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार और दलालों की मंडी बना दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। आज शिवराज सिंह ने कमलनाथ के पाप गिनवाए और उनका ब्यौरा देते हुए कहा, कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी में तब्दील कर दिया था। ज्ञापन दिए हैं कि मैंने क्या पाप किया था। कमलनाथ जी, आपने पाप किया। आपने कहा था सब किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आपने लाखों किसान कर्ज माफी की सूची से बाहर निकाल दिए, झूठे सर्टिफिकेट बांट दिए, और जो रेगुलर किसान थे बेचारे पैसा दे रहे थे, इस चक्कर में उन्हें पैसा नहीं दिया तो वो डिफाल्टर हो गए और ब्याज की गठरी आज उनके सर पर है। वो ब्याज की गठरी मैं उतारूंगा। आपने पाप किया, आपने बच्चों को हम जो लैपटॉप देते थे, 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले, उनके लैपटॉप छीन लिए। आपने पाप किया। आपने कहा था कन्या दान की राशि बढ़ा के 51,000 कर देंगे, 51,000 की कह के एक पैसा बेटियों के खाते में नहीं पहुंचाया। आपने पाप किया। केंद्र से जो मिलने वाली सहायता थी उनका उपयोग ढंग से नहीं किया। मैं कितने पाप बताऊं आपके। आपने मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया था, यही आपका पाप था और इसी की सजा आपने भुगती। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।